दोस्तों, अगर आप बहुत टाइम से एक न्यूट्री ब्लेंडर लेना चाह रहे थे लेकिन आपको जो मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा वाला न्यूट्री ब्लेंडर लेना आपके लिए सही रहने वाला है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्री ब्लेंडर मशीन अंडर 3000 रुपीज। ये आपको अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही शानदार मशीन है, इसके अंदर आप ब्लेंड कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, वंडर शेफ्स जैसे बड़े ब्रांड की तरफ से आता है। आज की इस वीडियो पे पूरा आपको ये मशीन दिखाने वाला हूँ, कैसा मशीन है, कितना इसका पावर रहने वाला है, कैसे ये वर्क करेगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर आप बना सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। मेरा नाम है निमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहता हूँ। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक न्यूट्री ब्लेंडर मशीन होता क्या है। जैसे कि हम सबके घर पे ऑलमोस्ट मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सर ग्राइंडर ना किसी भी चीज को बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में मिक्स कर देता है, लेकिन वहीं पे एक ब्लेंडर जो होता है ये मशीन ना, जैसे अगर आप अपने लिए जूस बनाना चाह रहे हो, अगर आप मौसम्बी के जूस बना रहे हो, आप वाटरमेलन जूस बना रहे हो, तो इसमें क्या है ना, वो आपका हल्का पल्प की तरह रखता है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके और आप उसको कंज्यूम करोगे ना तो ज्यादा न्यूट्रिशन रिच रहता है और आपकी जो आप ड्रिंक बना रहे हो ना उस पर न्यूट्रिशन, वो ज्यादा न्यूट्रिशन को लूज करता है, इसलिए लोग इसे लेते हैं। काफी स्पेस सेवर होता है, काफी फास्ट होता है, कन्वीनियंट सा मशीन होता है, स्मॉल साइज का होता है। तो बिना देरी किए गाइस चलो फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके रिव्यू पर आते हैं, फिर आपको इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो ये रहा गाइस हमारा वंडर शेफ का न्यूट्री ब्लेंडर और ये ब्लैक कलर में मैंने परचेस किया है। इसके बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको अमेज़न पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ कुछ आपको फीचर्स दिए गए हैं। इस तरीके का आपको जार मिलने वाला है, दो इसके साथ, 2 ईयर्स के वारंटी के साथ आता है, 230 वोल्ट पे वर्क करेगा, 400 वाट का इसके अंदर आपको मोटर देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम ये 22,000 RPM पे घूमने वाला है, जो बहुत ज्यादा फास्ट है। ये चेहरा तो आप पहचानते होंगे, शेफ संजीव कपूर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा न्यूट्री ब्लेंड के कुछ यहाँ पे आपको बॉक्स कंटेंट्स के नीचे आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगा, मेंशन 5,300 रुपए, पर ये आपको आधे से भी कम प्राइस पे मिल जाएगा अमेजोन पे, जो बेस्ट बाय लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग देख सकते हो, ISI मार्क के साथ आता है। इस साइड पे आ जाओगे ना तो इस साइड पे आपको यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें मेंशन किए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप पॉज करके पढ़ लेना वीडियो को। बिना देरी के फटाफट से इसके ऊपर से यहाँ इसको ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे टेप का सील देखने को मिल जाएगा, इस टेप के सील को यहाँ पे बस खोल दूंगा और आसानी से यह ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद गाइज आप बॉक्स कंटेंट देख सकते हो, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सीजनिंग कैप मिल जाएगा और एक स्टोरेज कैप मिलता है। फिर सेकंड चीज, इसके साथ आपको ब्लेंडिंग जार मिल जाता है जो अच्छे से बबल रैप पे किया हुआ है और हर एक आइटम पे ना अच्छे तरीके से यहाँ पे पैकिंग किया गया है। हमारा जो मेन मशीन है इस तरीके से इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये रहा गाइस सारा बॉक्स कंटेंट, आपको ये देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ कैप्स मिल जाते हैं, एक सीजनिंग कैप मिलता है, एक स्टोरेज कैप मिल जाएगा एंड हर एक एक्सेसरीज के ऊपर एक अच्छा सा प्लास्टिक का रैप चढ़ा हुआ है, प्रॉपर सील पे आया हुआ है। एक आपको ब्लेंडिंग जार मिल जाता है 500 ml का, इसका कैपेसिटी हाफ लीटर का, और कुछ इस तरीके का आपको बॉटम देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा मेन मोटर जिसके ऊपर बबल रैप अच्छे तरीके से किया गया है। एक आपको मिल जाता है यहाँ पे इसका यूजर मैनुअल, चाहोगे तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट हम इसके साथ एक फ्री चीज मिल जाता है जो बहुत ही काम का है, ये है वंडर शेफ का न्यूट्री ब्लेंड का एक रेसिपी बुक, जो संजीव कपूर के थ्रू आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर ना आपको बहुत सारे भर भर के रेसिपीज दिए गए जिनको आप इस ब्लेंडर के थ्रू बना सकते हो। एंड ये रहा हमारा मेन मोटर, इसके ऊपर से बबल रैप को हटाएंगे तो देखो गाइस अच्छा खासा इस पर एक प्रॉपर वेट भी है। एंड गाइज लास्टली हमें इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है, इसके साथ आपको 2 साल का वारंटी मिलने वाला है। तो मेन जो हमारा मशीन है कुछ इस तरीके से पैक किया हुआ है, आप देखो प्रॉपर सील पे आया हुआ है और आपके यहाँ न्यूट्री ब्लेंड का आपको मेन यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आपको ये जो छोटा जार दिया गया है इसका 300 ml का कैपेसिटी है। ये एक ग्राइंडिंग जार है, यानी कि इसके अंदर आप खड़े मसालों को यहाँ पे ग्राइंड कर सकते हो, लाइक दालचीनी, लाल मिर्च, गोलकी, जीरा, इन सब को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पाउडर कर सकते हो, जिसका टेस्ट मैं आपको वीडियो में आगे करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आपको संजीव कपूर का ऑटोग्राफ देखने को मिल जाएगा, वंडर शेफ का ब्रांडिंग है। एंड इसके साथ आपको इस तरीके का वायर मिल जाएगा, 2-पिन प्लग वाला। आपको 2 कैप्स मिलते हैं, एक आपको मिल जाता है यहाँ पे सीजनिंग कैप, यानी कि इस पे आप ना जो भी मसाले ग्राइंड करने वाले हो तो इस तरीके से आप डायरेक्टली झाड़ सकते हो उनको। और यहाँ पे आपको पतला वाला छेद मिलता है और मोटा वाला छेद देखने को मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट जार आपको देखने को मिल जाएगा एंड अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी मुझे इसके अंदर देखने को मिल रहा है। एंड ये जब मूव होगा तो बहुत ही फास्ट मूव होने वाला है, 22,000 RPM मैक्सिमम स्पीड आपको इस मोटर के अंदर देखने को मिलता है। तो कुछ इसका आपको इंटरनल पार्ट्स ऐसा देखने को मिलने वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर आपने जूस बना लिया, उसको आपको कैरी करना है, तो बस इस तरीके से स्टोरेज
स्टोरेज वाले ढक्कन को आप लगा दो और आप आसानी से उसको अपने बैग में भर के या फिर कार के बॉटल होल्डर वाले सेक्शन में कहीं भी आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर भी इसे रख सकती हूँ। एंड इसके अंदर ना गाइस आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के ब्लेड्स देखने को मिलते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करने वाले हैं। बॉटम पे आएंगे तो बॉटम पे एक स्टिकर देखने को मिल जाएगा, पावर रेटिंग, इनपुट आउटपुट ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ओके टेस्टेड का स्टिकर है और नीचे आपको चार रबर पैड्स मिल जाते हैं, फुट्स मिल जाते हैं, जिससे क्या होगा ना ये जब आप अपने स्लैब पे या ग्रेनाइट पे रख के यूज करोगे किचन पे तो ये मूव नहीं करेगा, एक अच्छा सा ग्रिप बना रहेगा तो आपका मशीन का गिरने का चांसेस नहीं होने वाला है। देखो तो जैसे इसके टॉप को आपको खोलना है ना, बहुत ही सिंपल है, बस आप यहाँ पे इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ये वापस अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद आप इसे निकाल सकते हो। तो ये रहा हमारा छोटा सा जो आपको यहाँ पे ग्राइंडिंग जार मिल जाता है ना, कुछ इस तरह के क्वालिटी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको इस तरीके का सिंगल ब्लेड देखने को मिल जाता है। तो मोटर के टॉप पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, लाइक यहाँ पे डू नॉट रिमूव का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। कॉशन, डू नॉट प्रेस ऑपरेशन स्विच विथ हैंड, यानी कि आपको इसको हाथ से ऐसे नहीं दबाना है। और आपको अनप्लग बिफोर क्लीनिंग विद सॉफ्ट क्लोथ, तो जब आप अंदर साफ करोगे ना तो इसको पहले वायर को हटा लेना, ठीक है, वरना आपके साथ हाथों पे चोट आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी ऑन एंड ऑफ स्विच देखने को नहीं मिलेगा। ये कैसे वर्क करता है ना, इसके अंदर आप जैसे इस जार को लगाओगे, इसके अंदर आपने कुछ भी भर लिया और इसको आप जैसे यहाँ पे रखोगे और रखने के बाद आपको बस इसे जैसे प्रेस करके आप इसे घुमा दोगे ना तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगा। बंद करने के लिए या तो आप पावर सोर्स से बंद कर सकते हो या फिर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ये मशीन बंद हो जाएगा, यानी कि ये पुश सिस्टम पे वर्क करता है। तो गाइज आपने देखा, आपको इस वंडरशेफ की न्यूट्री ब्लेंडर के अंदर काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, काफी क्विकली इसके अंदर आप किसी भी चीज को ग्राइंड एंड ब्लेंड कर सकते हो। दूसरा, बहुत ही ज्यादा स्पेस सेवर है आपका, अगर किचन पे स्पेस नहीं है या फिर अगर आपको बड़े मशीन पसंद नहीं ना, छोटा सा मशीन है, एक कॉर्नर पे रख दो और आसानी से इसको आप यूज कर पाओगे। इसके साथ जो आपको वायर मिलता है, वायर का लेंथ भी काफी अच्छा मिल जाता है और इसका प्लग टू पिन प्लग यूनिवर्सल है, आसानी से कहीं भी कनेक्ट करके आप इसे यूज कर सकते हो। 400 वॉट का मोटर मिल जाता है, बहुत ही पावरफुल मोटर है, आपको मैंने दिखाया इसके अंदर कुछ मसालों को ग्राइंड करके और इसके अंदर आप आसानी से चटनी बना सकते हैं इसके छोटे वाले जार पे, क्विकली आपका काम होने वाला है, आपको ज्यादा यहाँ पे ना दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत ही आपका टाइम सेविंग मशीन भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना गाइस तो जरूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहोगे मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ, आप इसे ले सकते हो, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हो। गाइस शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।